students, today we are going to start English grammar chapter number 2, that is nouns. So what are nouns? Nouns are naming words, किसी भी animal, place, person या thing के नाम को हम बोलते हैं nouns. So सबसे पहले मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, there are 5 kinds of noun. तो noun के 5 kinds होते हैं. So सबसे पहला kind होता है proper noun. So what is proper noun? Name of a particular person, place or thing. जब हम किसी का special नाम देते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. लाइक माय नेम इज दीक्षा एंड आपका भी कुछ ना कुछ नाम है. ऐसे ही जब हम किसी चीज़ का स्पेशल नाम बोलते हैं तब हम उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू एक पर्सन का नाम है तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगेन्स विद कैपिटल लेटर. जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो हमें हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल इज अमेरिका, तो अमेरिका एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, तो यहाँ पे अमेरिका इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. एंड थर्ड इज दिवाली, तो दिवाली एक फेस्टिवल का स्पेशल नाम है. दिवाली ऐसे ही फेस्टिवल के नाम रहते हैं, होली, ईद. तो ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन. जब हम किसी चीज़ का एक स्पेशल नाम लेते हैं दैट आर नोन एज प्रॉपर नाउन. उसके बाद आता है हमारा कॉमन नाउन. सेकेंड काइंड है कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन क्या होता है? नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. मतलब ये स्पेशल नेम्स नहीं होती, ये जनरल नेम्स होते हैं. जैसे बॉय, बॉय का नाम है अगर राम, तो राम क्या होगा? प्रॉपर नाउन. अगर यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है सिर्फ बॉय, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं लिखा है, तो बॉय क्या होगा? कॉमन नाउन होगा. यहाँ पे लिखा है गर्ल, गर्ल का अगर कुछ नाम होगा जैसे निशा एंड ऑल, तो वो होगा प्रॉपर नाउन. पर वहाँ पे उसका कोई नाम नहीं, उसका एक जनरल वर्ड यूज़ किया है गर्ल, तो गर्ल क्या होगा? कॉमन नाउन. मैन, मैन का भी कोई स्पेशल नाम अगर लेते तो वो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पे मैन लिखा है सो इट इज़ अ कॉमन नाउन. चेयर, टेबल, फैन, लाइट, पेन, सो दीज आर कॉमन नाउन. और जब हम इनको ही कुछ स्पेशल नाम देते हैं सो दैट आर नोन एज प्रॉपर नाउन.